सब्सक्राइब करें आदित्य मोटराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए हैं ताज टीवीएस के शोरूम पर, जिसका एड्रेस हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे। तो ये है टीवीएस की अपाची आरटीआर 160। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, हम आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स देते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट्स है, जो आप कॉर्नर्स में आपको छोटे छोटे से LED DRLs मिलते हैं, और इंडिकेटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। जो आपको पुरानी अपाची आरटीआर में जो देखने को मिलते थे, वही सेम इंडिकेटर्स हैं, बस थोड़े इसमें क्रोमिंग की फिनिशिंग की गई है और उसके जो पेंट है वो चेंजेस किए गए हैं, और काफ़ी हद तक इसके टायर्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन करे गए हैं। आप इसे एक साइड लुक देखें, साइड में इस वाइट में क्या चेंजेस हैं, इसमें आपको वाइट पेंट मिला जाता है और आपको इसमें रेड कलर के ग्राफिक्स का 3D लोगो इसमें आपको मिल जाता है, जिससे ये बाइक का थोड़ा लुक चेंज कर देते हैं। बाकी बाइक पूरी पुरानी अपाची के कंपेरिजन से दिखती है। और हाँ, जहाँ आपको TVS का लोगो दिख रहा है, उस प्लेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर TVS का 3D लोगो आपको मिल जाता है, बस वही उस बाइक को एक स्टाइलिश सा लुक दे देती है। 5 गियर पैटर्न का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो हर नॉर्मल 160 और 150 cc की बाइक में आपको देखने को मिलता है। और राइट और लेफ्ट में आपको सेंटर में अपाची का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, जो जबकि पुरानी अपाची में आपको उसके टैंक में अपाची की ब्रांडिंग मिली जाती थी। बाइक के कॉर्नर्स पर आपको RTR 160 का भी स्टिकर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके रेयर लुक की, तो वही सेम लुक इसमें आपको दिया जाता है जो ओल्ड मॉडल में देखने को मिलता है। सेम टेल लाइट और इंडिकेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा पेंट जॉब के कारण बाइक स्टाइलिश दिखती है, और वही सेम आपको जो पुरानी अपाची में देखने को मिलता है, बस वही आपको उसमें ओवरऑल देखने को मिलता है। और जहां आप 3D लोगो देख रहे हैं, वहां आपको RTR 160 की ब्रांडिंग मिली जाती थी ओल्ड अपाची में। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन टाइप के बारे में। इसमें आपको 159.7 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर, जो कि 15 bhp की पावर और 13.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में, तो इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी हद तक पुराने मॉडल की तरह सेम ही है, बस आपको इसमें आप जहाँ क्रोमिंग प्लेट देख रहे हैं, जहाँ से क्रोमिंग हुई है, वहाँ आपको वहाँ RTR का ब्रांडिंग मिल जाता है, जो पुरानी अपाची में आपको देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, इसमें आपको निकल्स एग्जॉस्ट मिलता है, जो जल्दी से रस्ट भी नहीं होगा, उसमें आपको जंग भी नहीं लगेगी जल्दी से, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और ओवरऑल आप बाइक का लुक देखें, काफ़ी हद तक स्टाइलिश सा लुक है उसके पेंट के कारण। और इसके इंजन में भी आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है। और बाकी आप इसके डाउन में देखेंगे, तो इसके नीचे में देखेंगे, तो इसमें आपको TVS रेसिंग का एक स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है, जो पुराने आपको देखने को नहीं मिलता था, मतलब पुराने मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलता था। अब बात करते हैं इनके टायर्स के बारे में, तो इसमें आपको 270 mm के पेटल डिस्क मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, पेटल डिस्क का मीनिंग है डिज़ाइनिंग सेम डिस्क, जो नॉर्मल बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो थोड़े से डिज़ाइनिंग डाल के इसके डिस्क में आपको मिल जाता है, और इसमें आपको 90x90 का फ्रंट टायर का साइज़ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके रेयर टायर्स के बारे में, तो इसमें आपको 110x80 का इसमें आपको टायर का साइज़ मिलेगा, जो कि आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिला जाता है। ओवरऑल बाइक का रिव्यू मैं आपको क्या बताऊं कि ये पुरानी अपाची से ही मिलती जुलती है, बस फ़र्क इतना ही है, बस पेंट का ही कुछ फ़र्क है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, बाकी पूरी ही सेम है, बस थोड़े से पेंट जॉब करके उसको न्यू मॉडल कह के मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब बात कर लेता हूँ इसकी सीट के बारे में। लंबी सीट है, कंफर्टेबल है, अप्रॉक्स 3 लोग को बैठ के आप आराम से राइड कर सकते हैं, अच्छे से कंफर्टेबल, और राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है, उसमें इम्प्रूवमेंट करा गया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में,
तो बेसिक से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, जो आपको ओल्ड में भी आपको यही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, स्पीडोमीटर, डिजिटल मीटर जिसमें आपको ट्रिप मीटर का भी ऑप्शन मिला जाता है, और सेट और रिसेट का इसमें आपको एनालॉग बटन्स दी जाती हैं, और वही इसमें आपको नीचे में न्यूट्रल के साइड इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर्स के राइट और लेफ्ट जो आप इंडिकेटर देते हैं वो भी इसमें ब्लिंक होते हैं, और यहाँ आपको RTR 160 की स्ट्रिकनिंग मिल जाती है जो ओल्ड अपाची में देखने को नहीं मिलता है, और स्विचेस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, प्रीमियम है, पासिंग का स्विच, हॉर्न, लेफ्ट लाइट इंडिकेटर जो आपको हर एक बाइक में देख। और अब बात कर लेते हैं इसकी और बेसिक से स्विचेस के बारे में, तो इसमें आपको किल स्विच का भी ऑप्शन दिया जाता है जिससे आप अपनी बाइक को डायरेक्टली वहाँ से ऑफ कर सकते हैं। टैंक में भी आपको एक अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाती है, अच्छी सी शाइनिंग प्लेटिंग मिल जाती है, जैसे आप वहाँ देख सकते हैं टैंक में लिखा भी है रेस एडिशन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस बाइक्स के कुछ रिलेटिव क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, हम उनके सॉल्यूशन आपके पास जल्दी लेकर आएंगे। अभी के लिए।